यहाँ पे एक डाइन तैयार हो रखी है, चुड़ैल। दूसरी चुड़ैल है ये, यहाँ पे बना रही है खाना। मेरी बड़ी बहन है, ये तीसरी चुड़ैल है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन सोनी का ब्लॉग। आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी 9:30 बजे से, तो मैं थोड़ी देर पहले ही खड़ी उठी हूँ। तो मैंने ना अभी कुछ नहीं किया, अभी यहाँ पे चाय ही बनाई है और ये चाय आ गई मेरी काली चाय। तो ये ना जब तक ठंडी होती है तब तक मैं तैयार भी हो जाती हूँ, क्योंकि लेट भी हो रहा है मुझे, 10 बजे मैंने जाना भी है। तो मेरी तबीयत भी थोड़ा ढीली चल रही है, बुखार तो हो ही रहा थोड़ा आज, और तबीयत भी खराब है। तो चाय भी पी लेती हूँ और साथ में तैयार भी हो जाती हूँ, तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। मैं हो गई हूँ तैयार, और तैयार हो गया भी, टाइम है 10 बजने में कब टाइम है। तो मैं तब तक ना आटा गूंथ लेती हूँ फटाफट से, एक रोटी का, क्योंकि एक ही रोटी खानी है मैंने, तो आटा गूंथती हूँ फटाफट बनाती हूँ अपने लिए। और सब्जी तो कल रात की है मेरी, तो वैसे भी चल जाती है क्योंकि अभी उतनी गर्मी तो नहीं हुई है कि सब्जी खराब हो, थोड़ा बहुत चल जाती है। तो अब धीरे धीरे तो गर्मी भी पड़ने लग जाएगी, तब तो शाम की सब्जी सुबह के लिए खराब हो जाएगी, पर अभी उतनी नहीं है तो मैं आटा गूंथ लेती हूँ। तो फाइनली दोस्तों मेरा नाश्ता भी हो चुका है और अब मैं निकलती हूँ थोड़ी देर में घर से, क्योंकि अभी ना 9:58 और इतना जल्दी में हुआ ना, जब तो जिस दिन तो मतलब ऐसा करती हूँ नाश्ता वगैरह बनाना है, ये करना है, वो करना है, उस दिन तो देर होती है। आज मैंने फटाफट किया, मतलब तैयार भी 9:30 बजे से ही हुई और रोटी भी बना ली। तो वैसे मैंने एक ही रोटी बनाई है और खा भी ली, तो अब थोड़ी देर में निकलते हैं। और मैं आई घर, तो यहाँ पे एक डाइन तैयार हो रखी है, चुड़ैल। तो कृपया करके थोड़ा खड़े उड़ जाए आप। ओह, तो ये इसका लुक है, साड़ी इसने पहन ली है, फोटो में नहीं ली, अभी नहीं ली फोटो नहीं ली इसने, तैयार हो रखी यहाँ पे। और ये यहाँ पे नानू भी साथ में, और किचन पे एक दूसरी चुड़ैल है, ये यहाँ पे बना रही है खाना। ओ, ये तो यहाँ पे तल रही है पकोड़े, तब बोले की बाद में मुझे गैस हो गई हो, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे पकोड़े तल रही है, तैड़ बोल रही। और तीसरी चुड़ैल यहाँ पे, ये मेरी बड़ी बहन है, ये तीसरी चुड़ैल है, ये यहाँ पे फोन देख रही है और बैठ रही है। मेरे को बोलो चुड़ैल है जो ब्लॉगर है, तो मैं पकोड़े खा रही हूँ, खाएगी पकोड़े, झूठ है, अंदर चलेगी। तो अब मैं इस चुड़ैल की फोटो लेने वाली हूँ और ये यहाँ पे अब पोज देने वाली है, तो ये इसका फोन है और मैं इससे फोटो लेती हूँ इसकी, जरा थोड़ा बहुत फोटो शूट करती हूँ इसकी। मुझे पोज बताने वाली है, पोज मुझे खुद ही नहीं आती, पोज मुझे नहीं आती, तो मुझे भी नहीं आती। और मौसम की बात की जाए तो मौसम तो अच्छा है, मतलब धूप लग रखी है और अच्छी खासी गर्मी हो रही है। और यहाँ पे बेचारी खुद ही ले रही अपनी सेल्फी, इसकी फोटो कोई नहीं खींच रहा है, राम राम। मैंने खींची इसकी कुछ बहुत फोटोज और अब खुद ही खींच रही है, अब बोल मैं खुद ही खींचती बन। और यहाँ पे भी लोगों का घर का काम शुरू हो गया है, और सामने जो खेत दिख रहा है तो यहाँ पे गेहूँ है, तो गेहूँ ना पकने को हो गए हैं, धीरे धीरे पीलापन भी पड़ गया है गेहूँ में, और अभी तो खैर कच्चे ही है, पर ऐसी गर्मी रही तो जल्दी ही पक जाएंगे। और यहाँ पे रितिका के पकोड़े बन चुके हैं और साथ में चटनी भी है, और यहाँ पे कढ़ी भी बनी गई है ऑलमोस्ट, तो इसे मैं बंद कर देती हूँ। और यहाँ पे आयुष भी आ गया है और प्रणाम करते करते पीछे चले गया है। तो चलो ठीक रहा स्कूल का दिन, चलो ठीक है। तो मैं ये कपड़े ले जा लेती हूँ ऊपर सुखाने के लिए, इन्होंने कपड़े धो रखे हैं, कपड़ों की बाल्टी है। ये लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, अभी रितिका आ गई, इसकी कैमरा वुमैन, मैन नहीं कैमरा वुमैन। हाँ, तो मैं कपड़े सुखाने के लिए लेके जा रही हूँ, पर चप्पल दे मुझे, गर्म हो रहा स्लीपर। तो हमारा खाना पीना हो गया है गाइस, और मैं चलती हूँ अब, इन लोगों ने तो खाए नहीं अभी, मैंने खाया है। और यहाँ पे सो रखा है जिम्मी, फर्स्ट क्लास ढंग से, ठंड पे इसे बलगर नहीं लग रही है ना जिम्मी, बाय। तो हम चलते हैं, और अभी बज चुके हैं 5 और मैंने यहाँ पे बिल चढ़ा रही हूँ, तो कुछ भी मेरे चढ़ गए हैं, अब एक दो रह रखे हैं तो उन्हें भी ख़त्म कर देती हूँ, तो बस इसके बाद तो बैठी रहूँगी बिल चढ़ाने के बाद, और काम भी है वो कुछ वो निपटा दूँगी, और बस तो अब चढ़ाती हूँ अपने बिल वगैरह। मेडिकल में बैठे रखे थे तो एक बच्चा ना वैष्णो माता का प्रसाद लेके आए, उनके घर से कोई जा रखा था शायद वैष्णो माता मंदिर, तो हमारे लिए भी लाया, और ये देखो वैष्णो माता का प्रसाद भी आ गया और माता का आशीर्वाद मिल गया। साथ में यहाँ पे शाम की चाय भी आ गई है, और तब चाय वगैरह पी लेते हैं हम। अभी हो चुकी गाइस 9:15 और मैं 8:30 बजे के लगभग घर आ गई थी, और घर आके मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए, तो यहाँ पे ये दोनों लोग बैठ रखे हैं,
यहाँ पे बैठ कर किचन की बात की जाए तो चलते हैं किचन की। और किचन पे यहाँ पे अक्कू थे रोड दे, यानी कि रोटियाँ, ये रोटियाँ बना रही है, सब्जी बना दी इन्होंने। तो आज ना मैं अपनी बहनों के रूम पे ही आई क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा ढीली चल रही थी, और मतलब काफ़ी दिनों बाद आई मैं, 5 दिनों बाद आज मैं यहाँ आई हूँ। तो आज मैं यहीं रहूँगी, तो कल मेरी छुट्टी भी है भाई, कब से मैं छुट्टी कर रही हूँ, तो कल का दिन मेरा छुट्टी में ही जाएगा, तो देखते हैं कल क्या क्या होता है। खैर अभी तो फिलहाल खाना बन रहा है और यहाँ पे खा रहे हम अभी डिनर, और यहाँ पे आ गया मेरा खाना। तो इन्होंने बना रखी सेम और आलू की सब्जी। तो अब करते हैं डिनर फटाफट से, और दे दे मेरी रोटी, मिले रोटी दे। तो ये इसने रोटी बना रखी है, मिले कितनी रोटी जितनी आपका। अच्छा तो ये बैठ गई है रोज की तरह यहाँ पे खाना देने के लिए, और ये इसको देखो, ये देखो आली, ये देखो लटकू राम, अभी दूसरा आएगा। खाना पीना हमारा हो गया है और अभी हो गया 9:30। तो ये अभी बर्तन धो रही है रोटी का, आपको दूध गर्म कर रही है, आज बिस्तर बिस्तर लगा रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर में हम बाहर टहलने जाएंगे क्योंकि खाना भी, खाना खाने के तुरंत ज़्यादा सोना नहीं चाहिए, वैसे तो हम सोते ही हैं डेली, पर आजकल अब गर्मी स्टार्ट हो गई तो अब घूमते भी बाहर। तो अब हम तब तक मैं चली जाती हूँ बाहर घूमने जब तक कि ये अपना काम निपटा रहे, तब ये लोग भी आएंगे। और मैं आ गई हूँ बाहर टहलने के लिए थोड़ा बहुत। तो अभी ना ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बाहर का नज़ारा आप देख सकते हो रात का। तो रात का नज़ारा कुछ इस प्रकार से सुनसान है, गलियाँ बिल्कुल। तो आज कोई घूमने भी नहीं आ रखा है, जबकि लोग ना इस टाइम पे आ भी जाते हैं घूमने, मतलब कुछ कुछ लोग घूमते हैं, बट आज नहीं आ रखे पता नहीं क्यों। तो ये है अभी का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है। तो हम घूम के अंदर आ गए और थोड़ा थोड़ा हमने दूध पिया, तो बस अब सोने की तैयारी है। और इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।